हेलो फ्रेंड्स, सुखस्मृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। लू लगने से मृत्यु क्यों हो जाती है, आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हम सभी धूप में घूमते हैं, फिर कुछ लोगों की ही धूप में जाने के कारण अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है। हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं। पसीने के रूप में पानी बाहर निकलकर शरीर 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है। लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। पानी शरीर में इसके अलावा भी बहुत कार्य करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना बंद कर देता है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाता है और शरीर की कूलिंग व्यवस्था ठप हो जाती है, तब शरीर का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है। शरीर का तापमान जब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब रक्त गर्म होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है। स्नायु कड़क होने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए जरूरी स्नायु भी काम करना बंद कर देता है। शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, महत्वपूर्ण अंग जैसे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके शरीर के एक एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ टालने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए और हमारे शरीर का तापमान 37 मेंटेन किस तरह रह पाएगा, इस ओर ध्यान देना चाहिए। कृपया 12 से 3 बजे के बीच घर, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने का प्रयास करें। तापमान 40 डिग्री के आसपास विचलन की अवस्था में रहेगा। यह परिवर्तन शरीर में निर्जलीकरण और सूर्य तप की स्थिति उत्पन्न कर देगा। कृपया स्वयं को और अपने जानने वालों को पानी की कमी से ग्रसित न होने दें। किसी भी अवस्था में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। किडनी की बीमारी वाले प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 लीटर पानी जरूर लें। जहां तक संभव हो ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। किसी को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठंडे पानी से नहाएं। इन दिनों मांस का प्रयोग छोड़ दें या कम से कम करें। फल और सब्जियों को भोजन में ज्यादा स्थान दें। हीट वेव कोई मजाक नहीं है। एक बिना प्रयोग की हुई मोमबत्ती को कमरे से बाहर या खुले में रखें। यदि मोमबत्ती पिघल जाती है तो ये गंभीर स्थिति है। शयन कक्ष और अन्य कमरों में 2 आधे पानी से भरे ऊपर से खुले पात्रों को रखकर कमरे की नमी बरकरार रखी जा सकती है। अपने होठों और आंखों को नम रखने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका और आपके चाहने वालों का भला हो सके। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है लू लगने से मृत्यु क्यों हो जाती है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण।